Hello dear students, good morning. Myself Dr. Hitesh Kumar Saini, Faculty of Chemistry. मैं आपको chemistry subject teach करूँगा. Chemistry को आपने अभी तक जो पढ़ा है वो 9th और 10th में कुछ chapters science के अंदर ही पढ़े हैं. Science के अंदर उसमें physics के भी कुछ chapters होते हैं, chemistry के भी कुछ chapters होते हैं और biology से related भी कुछ chapters होते हैं. तो अभी तक जो अपन साइंस, आप जो साइंस पढ़ रहे थे 9th और 10th में, वो पढ़ रहे थे कंबाइंड साइंस, तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के. लेकिन जब आप 11th में आए हैं और 11th में जिसने भी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी साइंस के अंदर लिया है उन दोनों को ही केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है. तो 11th के अंदर जो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली बेसिकली इट इज़ कनेक्टिंग विद द 9th और 10th केमिस्ट्री. अपने को एक तरीके से उसको सोचना है कि किस तरीके से 9th में और जो 10th साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री था उसी को 11th के अंदर किस तरीके से लेवल बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन उस बढ़े हुए लेवल को किस तरीके से बेसिक फंडामेंटल से लिंक करेंगे वो सब अपन जानेंगे. मैं बेसिकली नीट और ZEE फैकल्टी हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी अपन स्टार्टिंग में NCERT लेवल पढ़ेंगे. उसके बाद में जो अपने को एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं उसको अप्रोच करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है और उसको किस तरीके से अपने को लीड करना है एग्ज़ाम के अंदर, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे बाद में. अभी इनिशियल डेज के अंदर देखिए, जो भी आपकी 9th और 10th की केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स थे उनको आप रीड करेंगे तो आपको फील होता है कि केमिस्ट्री इज़ द सेंट्रल साइंस, ये दोनों के बीच का साइंस है फिजिक्स और बायोलॉजी. कहने का मतलब फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के बीच का जो सब्जेक्ट है वो है केमिकल साइंस. कहने का मतलब कि केमिस्ट्री को ही अनदर रूप से बोला जाता है सेंट्रल साइंस. मेरी बात समझे आप? तो किस तरीके से आपके 11th के अंदर जो केमिस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, किस तरीके से केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, ये सब अपन जानेंगे. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 11th के अंदर जो केमिस्ट्री आएगी उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, पूरी केमिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया है. उसके बाद में स्टेप वाइज स्टेप अपन हर चैप्टर के अंदर समराइज्ड वे में कि कौन सा चैप्टर क्या बोलेगा इन फ्यूचर, उसको अभी अपन देखेंगे एक बार के लिए कि इस चैप्टर के अंदर ये कहानी है, उस चैप्टर के अंदर ये स्टोरी होगी. और उसको आपको भी फील करना है क्या अगर वो चैप्टर 9th और 10th में था तो उसको किस तरीके से सोचते थे और अभी उसको कैसे सोचना है. मेरी बात समझ आई? इस तरीके से अपने को पढ़ते हुए चलना है. देखिए, केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस क्यों बोला जाता है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज ए सेंट्रल साइंस. सेंट्रल साइंस केमिस्ट्री को इसलिए बोला जाता है, देखिए दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको कि अगर मैंने कोई चीज लिख दिया है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सबसे पहले अगर मटेरियल की बात की जाए, मटेरियल हमेशा अपने को 9th से स्टार्ट कर रहा हूं आपको कि सबसे पहले जब भी कोई मटेरियल या मटेरियल बना होता है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. और वो पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स, उनमें से सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम नाम दिया था. कहने का मतलब कि एटम की डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट कटेबल, कि उसको फर्दर कभी भी काटा नहीं जा सकता, ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम. तो देखिए, सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी एटम की वो फिजिक्स से हुई थी, कि उस किस तरीके फिजिक्स ने बताया था कि एटम नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, एटम से मटेरियल मिलके बना होता है, एटम कंटेन करता है सम ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स. वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से थे अभी अपन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एनी एटम. और वो सब एटम्स मिलके किसी मटेरियल को बनाते हैं. तो ये सब चीजें फिजिक्स में आती थी, और जो ही फिजिक्स ने एटम के बारे में बताया, द साइंटिस्ट वर क्यूरियस टू डिजाइन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटम्स. क्यों?
क्यों क्यूरियस हुए? क्योंकि उनको उन्होंने ही ये बता दिया कि जब फिजिक्स ने ये बोल दिया कि एटम है, तो हर किसी की क्यूरियोसिटी होगी कि क्या इन एटम्स को, अलग अलग एटम्स को अपन जोड़ सकते हैं। तो साइंटिस्ट्स के अंदर ये इंटरेस्ट आया कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके एक चीज से, या मैं बोलूं एक मटेरियल से, क्या कोई नया मटेरियल बना सकते हैं? इफ यस, देन ये कह सकते हैं कि हमने दो चीजों को मिलाने पे तीसरी चीज हमें मिलती है। तो इस प्रकार की जो स्टडी आई थी वो हमेशा पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। कहने का मतलब, सबसे पहले एटम, एटम के लिए बताया फिजिक्स ने, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को मिलाने का काम करके एक नया मटेरियल मिला, एक नया कंपाउंड मिला, वो सब पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, किस तरीके से दो एटम्स को, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को मिला के तीसरी चीज को निकाला जाता है। ये सब स्टडी आती है केमिस्ट्री के अंदर। और जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है या कोई कंपाउंड बन जाता है दो चीजों को, दो एटम्स को मिलाने से, डिफरेंट एटम्स को मिलाने से कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड अगर मिलता है, तो उसको कहां अप्लाई किया जाता है, उसको अप्लाई करना ही अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। बात को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज से किस तरीके से मॉलिक्यूल से अपन नया मॉलिक्यूल डिजाइन किया, नए मॉलिक्यूल को कहां अप्लाई किया, तो बीच में रोल किसका है? केमिस्ट्री का। ये सब चीजें अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल अगर आपको कोई भी अपने रिलेटिव में, घर में, या कोई स्टूडेंट या कोई भी जेन्युइन पर्सन आपको बोले कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिस्ट्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केमिस्ट्री, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, आपको हमेशा बोलना है कि ये एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एटम की, किसी भी कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जाता है। हमेशा याद रखना, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। आपको इस तरीके से उसको डिफाइन करना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमें तो पता नहीं। देखिए, नाम से पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब आप फिजिकली क्या क्या फील करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर, कंपाउंड के अंदर, कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपन डिफाइन कर सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कोई आपको कंपाउंड दे दिया, या मैं बोलूं कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को देखने से अपन बताते हैं दिस इज द व्हाइट बोर्ड, ये बोर्ड किस मटेरियल से बना है, इस बोर्ड को हीट करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इसका फिजिकली अपन फील करें इसके ऊपर, इसकी जो भी स्टडी है वो सब किसके अंदर आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज की इस, ये जिस मटेरियल से बना है, इस मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्शन करवाएं, या मैं बोलूं किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिलाने पर इसका सॉल्यूशन बना लिया, किसी दूसरे मटेरियल का सॉल्यूशन बना लिया, उसको हीट कर दिया, मतलब जिसको फिजिकली अपन नहीं देख पाते लेकिन दो चीजों को मिलाने पे कोई तीसरी चीज प्रोड्यूस कर दे, वो क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। कि इसने अपने मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई भी मटेरियल हमेशा किससे मिलकर बना होता है, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नोन एज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये हमेशा ही बात ध्यान में रखिए, अगर कोई भी कंपाउंड बना होगा, ये फंडामेंटल पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसके अंदर अगर ये मटेरियल है, इसके अंदर भी प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात समझ आता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने प्रोटोन लूज कर रहा है, कितने न्यूट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये आंखों से तो दिख नहीं सकते क्योंकि दोज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ये आपने 9th और 10th के अंदर पढ़ा है, एटम को ही जब नहीं देख सकते तो एटम के अंदर ये होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो तो और भी छोटे होते हैं, एटम को कोई देख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब देखिए, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये दिखने में तो नहीं आती, फिजिकली वी कैन नॉट से, बट इसका स्टडी किया जाता है, एक रिएक्शन को किसी के साथ रिएक्शन करवा के उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है, क्या इफेक्ट पड़ा है इसके ऊपर।
तो उससे पता करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली लूज हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं गए हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज हुआ है, ये सब बातें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। आया बात समझ में? तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे तो सिंपल आप क्या बोलेंगे कि ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का किसी भी मटेरियल की स्टडी की जाती है वो होता है केमिस्ट्री। आया? केमिस्ट्री को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। डिफरेंट डिफरेंट इसको ये बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री की ही तीन अलग ब्रांच बना दी कि किस तरीके के मटेरियल्स को कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, किस तरीके के मटेरियल्स को कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे और किस तरीके की स्टडी को अपन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, जो भी कैलकुलेशन पार्ट है, जो भी मैथमेटिकल पार्ट है, या मैं बोलूं कि जिसके अंदर ऐसी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हमेशा कैलकुलेशन की जाती है कि कितना सपोज किसी मटेरियल से कितना एनर्जी निकला है, कितना एनर्जी आया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हैं, ये सारी स्टडी किसी भी कंपाउंड, कोई सपोज कोई लिक्विड है, लिक्विड अगर एसिड है, लिक्विड अगर बेस है, तो एसिड और बेस को मिलाने से कितना एसिड और बेस मिला दें कि सॉल्यूशन के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी कंप्लीट खत्म हो जाए, ये सारी जो कैलकुलेशन होती हैं ये किसके अंदर आती हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। कैलकुलेटिव पार्ट जो होता है वो किसके अंदर आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सा पार्ट आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मेजर केमिस्ट्री इन होल केमिस्ट्री सब्जेक्ट। कैसे? देखिए, और पूरा जितना भी यूजेस है केमिस्ट्री का, मैक्सिमम जो यूजेस है, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, इफ एनीबडी इज सेइंग कि द लाइफ कैनॉट बी इमेजिन्ड टुडे विदाउट द केमिस्ट्री, तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं। सबसे सिंपल चीज, आज जितनी भी मार्केट में ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, इन सारी की देन किसकी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को कैसे लेबोरेटरी के अंदर जनरेट करते हैं, किसी भी डिजीज के लिए अगर कोई दवाई बनाई जाती है तो वो दवाई हमेशा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन करके रखती है। कहने का मतलब, अगर देखिए सबसे सिंपल सी बातों पे जाएं कि लिविंग जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाला जाता है उनसे, जिसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी आयुर्वेद में बोला जाता है कि पेड़ के पत्तों को उबाल देना है, उबालने के बाद उसमें से उसको पूरा निचोड़ देना है, एक्सट्रैक्ट करना है उसको अच्छे से, और जो उसका जूस निकलता है, जो उसका लिक्विड निकलता है, उसको पी लेना है। अब उसका लॉजिक क्या है? इसका मतलब उस पत्तों को निकलना, एक्सट्रैक्ट किया गर्म पानी के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई कंपाउंड थे, वो कंपाउंड पानी के अंदर डिजोल्व हो गए, पानी के अंदर गर्म किया तो पानी के अंदर डिजोल्व हो गए, पानी के अंदर आने के बाद वो बॉडी के अंदर लिया, मतलब कहीं ना कहीं वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो बॉडी के अंदर किसी प्रॉब्लम को क्योर कर रहे हैं, किसी डिजीज को क्योर कर रहे हैं। आयुर्वेदा के अंदर जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे कंपाउंड्स जो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स विच इज आइसोलेटिंग फ्रॉम द नेचर, आइसोलेटिंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आया बात समझ? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? सिंपल सी चीज, देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो केमिस्ट्री डील करती है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नॉन लिविंग कंपाउंड से अगर कोई मटेरियल मिलता है और उन कंपाउंड्स के साथ
जो केमिस्ट्री डील करती है उनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग मटेरियल्स एंड स्टडी ऑफ दोज नॉन लिविंग मटेरियल्स आर कमिंग इन कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आज के बाद अगर कोई पूछे इन तीनों का तो आपको हमेशा बता देना. देखिए, मैं नहीं कहता आप हमेशा एक पर्टिकुलर डेफिनेशन याद रखो, नहीं, आपको खुद को अपने वर्ड्स में डिजाइन करना आना चाहिए. किसी भी आप अपने किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए आपको खुद के अंदर जनरेट करना चाहिए आइडियाज कि ये चीज होती क्या है. आया बात समझ में? ये सब चीजें पढ़ा जाता है केमिस्ट्री की इन तीनों ब्रांचेस के अंदर. अब जो 11th का सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं दैट इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम ऑफ द चैप्टर्स आर कमिंग इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सम ऑफ द चैप्टर्स आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो अपन पूरे सिलेबस को मैं आपको लिख के बताता हूं कितने चैप्टर हैं और उनको कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कहानी है, ये सब देखेंगे. तो देखिए, क्लास 11th के अंदर जो केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स हैं मैं उनको लिख रहा हूं. आपको समझना है कि हर चैप्टर्स के अंदर हर जो चैप्टर है किसके बारे में डील करता है. सबसे पहला केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नाम फंडामेंटल से रखा गया है कि सम बेसिक कंसेप्ट, सम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला जो चैप्टर है. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सेकेंड जो चैप्टर है वो आपने शायद सेम टाइटल से 9th या 10th में भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बेसिकली दिस चैप्टर्स बिलोंगिंग्स टू द फिजिक्स बट ऑल्सो वी ऑल्सो रेड इन द केमिस्ट्री, क्योंकि उसके अंदर सम ऑफ द पार्ट्स केमिस्ट्री से भी डील करता है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, उनका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है. इसलिए सेकेंड चैप्टर. जो थर्ड चैप्टर है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. थर्ड चैप्टर. फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. फोर्थ चैप्टर. फिफ्थ चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर. कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, उसकी कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं. उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स. एंड सेवंथ जो चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम. ये सात चैप्टर मिलके आपकी केमिस्ट्री की, देखिए 11th के अंदर केमिस्ट्री की दो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी लेवल पे. दो बुक्स में से एक बुक कंटेन करती है दीज चैप्टर्स, दीज सेवन चैप्टर्स. सात चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम. ये होता है पार्ट फर्स्ट. ऑफ केमिस्ट्री.
और जो दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री का, उसके अंदर भी सात ही चैप्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 14। तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूँ, नोट इट डाउन। पार्ट सेकंड के अंदर अपन पढ़ते हैं सबसे पहले, या मैं बोलूँ एट्थ जो चैप्टर है, सात तो उसमें पढ़े थे, और जो आठवां है एट्थ, वो होता है रेडॉक्स। रिएक्शंस, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन के बाद आता है नाइन्थ जो चैप्टर आता है, वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद जो चैप्टर आता है टेंथ, वो आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो इलेवेंथ का जो चैप्टर है उसमें आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्वेल्थ के अंदर आता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो 13 का जो चैप्टर होता है उसमें आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हो। और उसके बाद जो 14 जो लास्ट जो चैप्टर होता है वो आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 14 चैप्टर्स, सात ये हैं जो पार्ट सेकंड के अंदर आते हैं और सात वो हैं जो पार्ट फर्स्ट के अंदर आते हैं। इनके अंदर एक एक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए सबके कुछ न कुछ अलग चैप्टर्स की मतलब कौन चैप्टर किससे किस चीज़ों से डील करता है, करता मटेरियल से ही है, मटेरियल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही है। लेकिन हर चैप्टर, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, इट्स ऑलवेज डील विद दैट। कहने का मतलब हर चैप्टर का पर्टिकुलर एक अटेंशन है, हर चैप्टर की एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डील करता है। तो अगर इन चैप्टर्स को समराइज्ड वे में मैं बता दूं अभी, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि इस केमिस्ट्री के अंदर जो 14 जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर किसके बारे में क्या क्या बताया गया है, तो वो अपन देखेंगे। देखिए ये पहला चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए, ये चैप्टर डील करता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या होता है, केमिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाता है, जनरल इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स है या जो मटेरियल की स्टडी की जाती है, उस मटेरियल को अपन फिजिकली क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी फिजिकल कोई भी अगर मटेरियल है या कोई भी मैटर है उसका अपन केमिकल क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, पहले चैप्टर के अंदर। तो देखिए सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ, कोई भी मटेरियल की फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो उसको तीन तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। मतलब कोई भी कंपाउंड या कोई भी मटेरियल या कोई भी मटेरियल तीन तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, उसको फिजिकली अपन फील कर सकते हैं कि दैट इज गैस, दैट इज लिक्विड और दैट इज सॉलिड। तो ये सब चीज़ों के बारे में पहले चैप्टर के अंदर आते हैं। उसी के तरीके से एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। कोई भी मटेरियल हमेशा दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, एक होता है
प्योर फॉर्म में हो सकता है, एक हो सकता है इम्प्योर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में जो कंपाउंड होगा वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, या प्योर फॉर्म में जो मटेरियल होगा वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, और इम्प्योर फॉर्म में जो कंपाउंड जो मटेरियल होगा वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। देखिए, प्योर फॉर्म के अंदर जब भी कभी कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर हमेशा एक फिक्स रेशियो में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात की जाए तो टर्मिनोलॉजी अपने को आनी जरूरी है। एक होता है एटम, मैं यहीं पे सब इसी के अंदर बता रहा हूँ आपको, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये सब चीज़ों के बारे में ही बताती है, बेसिक बेसिक चीज़ें। एक होता है एटम, एक होता है एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल, एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सर। ये सारे चीज़ों का मीनिंग क्या है ये बार बार मैं बोलता रहता हूँ। देखिए, एटम एक ऐसा कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच इज नॉट फर्दर कटेबल, जिसको अपन आगे और उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको फर्दर अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको काट नहीं सकते हैं, जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। और एटम हमेशा किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इट मेड बाय फंडामेंटल पार्टिकल्स। बात को समझना है, एटम की अगर बात की जाए उसके अंदर सम फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कि प्रोटॉन क्या, प्रोटॉन को क्या, कौन सा चार्ज होता है, ये किस तरीके का बिहेवियर करता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ये सब चीज़ें अपन किस में पढ़ते हैं, एटम के अंदर। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिएक्शन करता है, किस तरीके की स्पीसीज से रिएक्शन करता है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ मिलता है एटम के अंदर, इसके ऊपर भी कितना चार्ज होता है, इसका मास कितना होता है, ये सब चीज़ें अपन एटम के अंदर पढ़ते हैं। एटम को अगर कोई सिंपल बोले तो आप बोल सकते हैं अभी कि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ हैविंग द ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड फर्दर कैनॉट बी डिवाइडेड, सिंपल आप उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर कोई बात एलिमेंट की पूछे कि एलिमेंट क्या होते हैं, एटम तो पता लग गया लेकिन एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, एलिमेंट क्या होता है, किसी भी मैं बोलूं कि अगर कोई मटेरियल बना हुआ है तो उसके उस मटेरियल के अंदर, उस मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम एटम से मिलके बने हुए हो तो उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। कहने का मतलब, एक सब्सटेंस अगर सेम पार्टिकल से मिलके बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हमेशा एलिमेंट। जैसे कोई सब्सटेंस एक ही एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही एटम से मिलके बना होता है, जिस तरीके से जितनी भी गैसेस हैं, आगे पढ़ेंगे अपन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर आता है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस जो भी होती हैं उनके अंदर वही एलिमेंट होता है और वही एटम होता है। उसी तरीके से अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन ये अगर कोई हाइड्रोजन लिखे तो ये कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकता। हाइड्रोजन हमेशा दो एटम्स से मिलके बना होता है, H2 ये लिखते हैं हमेशा हाइड्रोजन। तो इसको मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन एलिमेंट, लेकिन अगर एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो। कहने का मतलब, सेम एटम से मिलके एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रेजेंट कंडीशन में अगर मैं इसको ये बोलता हूं का हाइड्रोजन, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज नॉट द एटम्स, क्योंकि कितने एटम मिलके बने होंगे, दो एटम। अगर हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करेगी तो वो हमेशा दो एटम को लेके एग्जिस्ट करेगी। इसी तरीके से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमेशा अगर कोई एलिमेंट डिनोट करता है, फॉस्फोरस हमेशा P4 चार एटम से मिलके बना होता है। इसी तरीके से सल्फर, सल्फर S8 एटम से मिलके बना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा कंपाउंड
जो सेम पार्टिकल से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और एक ऐसा मॉलिक्यूल की अगर बात की जाएगी तो एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अलग अलग एटम्स हो सकते हैं लेकिन एक फिक्स रेशियो में होंगे हमेशा। एटम हमेशा दो अलग अलग, एक सेम और अलग अलग। इट कैन बी मेड बाय द सेम एटम्स, इट कैन बी मेड बाय द डिफरेंट एटम्स, बट विल बी ऑलवेज कंपोज्ड विद द सेम कंपोजिशन ऑफ मासेस। आया बात समझ? जैसे अगर मैं बोलूं H2O के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, दो तो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, और ये हमेशा मास के फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, 2 और 16, या मैं बोलूं 2:16 को 1 और 8, 1:8, इसके मास का रेशियो हमेशा क्या होगा? 1:8। आप बोलेंगे ये 2 और ये 16 कैसे आया? इसका जब अपन एटॉमिक मास देखते हैं और जब इसका अपन एटॉमिक मास देखते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, और हाइड्रोजन का यहां पे क्या दिया गया है? मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 2। तो 2 और 16, और रेशियो में क्या हो गया? 1:8। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म बाय द सेम एटम्स, मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म बाय द डिफरेंट एटम्स, बट मस्ट बी प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो ऑफ मासेस। ये होता है मॉलिक्यूल। अगर आपको कोई बोले क्या H2 एलिमेंट है, क्या ये मॉलिक्यूल भी है, आप क्या बोलेंगे? यस। मैंने क्या बोला? एक एटम से ज्यादा अगर कभी भी कोई चीजें हो तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। ये दो एटम मिलके, कम से कम दो एटम होने चाहिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। दो एटम है लेकिन दोनों सेम है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ये हाइड्रोजन एलिमेंट भी बोल सकता हूं इसको, और मैं इसको क्या बोल सकता हूं? H2 मॉलिक्यूल। बात सुन। ऐसे एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर क्या होता है? देखिए कंपाउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेम रेशियो में मिलते हैं। कहने का मतलब कि मोर देन वन एटम्स कैन बी प्रेजेंट, और जब भी अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर वो फिक्स रेशियो में होंगे। फिक्स रेशियो के साथ साथ हमेशा क्या होंगे? उसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, जिसको बोला जाता है कंपाउंड। और मिक्सर के लिए अपन क्या यूज करेंगे? जैसे कोई भी मिक्सर है, कहने का मतलब एक है कॉपर और एक है सिल्वर, इन दोनों का मिक्सर, दोनों ही मेटल है, दोनों मेटल का अगर मिक्सर बना दिया जाए तो वो क्या है? फिक्स, एक मतलब कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है उसका, तो वो बस जस्ट एक मिक्सर है दो चीजों को। जैसे कोई भी बोले आपको, सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मिट्टी के अंदर चीनी डाल दिया जाए, अब उसके अंदर वो चीनी एक अलग कंपाउंड है, मतलब वो अलग चीजों से मिलकर बनी होती है, मिट्टी एक अलग चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, उनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिला, ऐसे ही डाल दिया है, तो ऐसे उसको मिक्सर को क्या बोलते हैं? जनरल मिक्सर। ऐसे मुझे ऐसे डिवाइड किया जाता है। देखिए फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट डील करने के बाद सेकंड चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हर किसी की क्यूरियोसिटी होती है कि कोई भी मटेरियल अगर एटम से मिलके बना होता है तो उस एटम का शेप और साइज कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए अगर बहुत ही क्लियर वर्ड्स में मैं बोलूं, आपको अभी तक शायद बताया गया होगा कि एटम स्फेरिकल नेचर का होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा क्लियर बोला जाए, एटम का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चरलेस। एटम ऑलवेज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरलेस मैनर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता एटम का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो देखिए एटम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मैंने अभी बताया था फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर के उसके सरफेस के ऊपर, या मैं बोलूँ बाहर के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब जब भी वो चक्कर लगाते हैं, जब भी वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक फिक्स रास्ते से नहीं करते, वो जिगजग मैनर में करते हैं, और जब उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है तो एटम की आप स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे? कहने का मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन ये है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है,
ये चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिक्स उसमें प्रेजेंट है। अगर आपको कोई बोले कि इस न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये घूमते रहते हैं, मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन फिक्स दूरी पे तो प्रेजेंट है, लेकिन इनका कोई, ये हमेशा घूमते ऐसे नहीं रहते, ये जिगजैग मैनर में घूमते रहते हैं। और जब जिगजैग मैनर में घूमेंगे तो इस न्यूक्लियस से इसका कोई कैसे साइज डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसा साइज होगा, स्ट्रक्चरलेस। आया बात समझे? तो ये चैप्टर डील ही बेसिकली उससे करता है कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन से ऑर्बिटल्स या किस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यू विल लर्न, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यू विल लर्न दैट हाउ एटम्स कम, कि कैसे एटम के बारे में डिस्कवरी हुई थी, क्या क्या कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स को किस किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन का पता लग गया तो मटेरियल के अंदर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें। इसी तरीके से जो थर्ड चैप्टर है उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो देखिए जो थर्ड चैप्टर है अपना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आता है अपना थर्ड चैप्टर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, देख बेसिकली ये चैप्टर डील करता है पीरियोडिक टेबल से, कि आज तक जितने भी एलिमेंट्स इस नेचर के अंदर मिले हैं वो एलिमेंट्स को एक जगह अरेंजमेंट किया गया है, दैट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, उस अरेंजमेंट को, एक एलिमेंट को एक जगह अरेंजमेंट करना, उसको एक जगह स्टडी करना पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं। एक टेबल बना दिया है साइंटिस्ट लोगों ने कि जितने भी एलिमेंट्स नेचर के अंदर आज तक डिस्कवर हुए हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे, जिनका सब चीज़ें, मॉलिक्यूलर वेट, कितना मॉलिक्यूलर वेट है, कितना मॉलिक्यूलर मास है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स उनके अंदर है, कितना इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको एटॉमिक वेट में लिखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसके एटॉमिक नंबर में लिखा गया है, ये सब चीज़ें एक जगह टेबल बना के उसकी स्टडी करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के नाम से उसी को जाना जाता है। कहने का मतलब ये चैप्टर हमेशा किससे डील करता है, पीरियोडिक टेबल से। आया बात समझे? और पीरियोडिक टेबल को भी चार तरीके से डिवाइड किया गया है, अपने को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। नहीं तो पीरियोडिक टेबल को चार तरीके से डिवाइड किया गया है, एस पी डी और एफ, चार एलिमेंट। अब देखिए उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, इसको सब अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर बोला जाता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल के अंदर आता है जिसके अंदर एस ऑर्बिटल होता है, एस सेल के अंदर एस ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन को भरा जाना, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक केंद्र भरा जाए, कि ऐसा सबसेल, ऐसा ऑर्बिटल जो पी से बिलोंग करता हो। आया बात समझ? इसी तरीके से डी और एफ, एफ को बोलते हैं एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स, ये सब चीजें डील करते हैं इसके अंदर। पांचों चौथा जो चैप्टर होता है, फोर्थ जो चैप्टर है वो आता है केमिकल बॉन्डिंग
एंड मॉलिक्यूलर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब इंटरेक्शन करता है, जब जुड़ता है, कोई भी मटेरियल है तो उसके अंदर आपस में जो एटम्स बंधे हुए होते हैं वो कौन सी बॉन्डिंग से बंधे हुए होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, नाम से पता हुआ बॉन्ड, एक एटम का दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड। वो कितने तरीके से हो सकते हैं? बेसिकली अपन तीन तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक फोर्थ भी पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। चार पांच तरीके के बॉन्डिंग्स होती है। एक होते हैं वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जो कि बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है। तो ये सब चीजें किसके अंदर पढ़ा जाता है? फोर्थ चैप्टर के अंदर। इसी तरीके से फिफ्थ के अंदर अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग का अपने को पता लग गया, बॉन्डिंग होने के बाद वो मटेरियल किस फेज में होगा, फिजिकली अपन उसको गैस में डिफाइन करेंगे, लिक्विड में या सॉलिड में, तो इसके लिए एक चैप्टर है आपके पास, स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं अपन गैसेस स्टेट जो आपके 11th में है, और लिक्विड स्टेट, और जो सॉलिड स्टेट जो पार्ट बचता है, तीन स्टेट हो सकती हैं किसी भी मैटर की, तो जो सॉलिड स्टेट होता है वो आता है 12th के अंदर। दो स्टेट अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। सिक्स जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है कि कोई भी अगर मैटर है, कोई भी मटेरियल अगर किसी एटम से मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो उसको हीट करने पे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, एनर्जी के अंदर क्या चेंज होते हैं, एनर्जी और उसके अंदर वर्क क्या रिलेशनशिप होता है। सपोज कोई दो चीज़ों को आप मिला रहे हैं, दो चीज़ों को मिलाने पे वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। सपोज अगर अपन ग्लूकोज को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो देखना ग्लास, कभी भी अगर ग्लास के अंदर पानी लेंगे और उसके अंदर ग्लूकोज डालेंगे तो ग्लास ठंडा हो जाता है। आया बात समझे? इसी तरीके से अगर कोई रोड है, मेटल की रोड है, उसको एक सिरे से गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस तरीके की स्टडी वो क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन है, हीटिंग का इफेक्ट क्या होता है, एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्या उनका केमिकल रिएक्शंस पे फर्क है, ये सब चीजें किसमें स्टडी की जाती है, थर्मोडायनेमिक में। और जो सेवन जो चैप्टर होता है वो होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या आती है, ये सब चीजें पढ़ने के बाद जब भी कोई दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनाने का अटेंशन होता है, तो देखिए दो चीजों को मिलाया, उनकी कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से सेम है तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज। कहने का मतलब न वो इधर शिफ्ट हो सकता न वो इधर शिफ्ट हो सकता। एक मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। देखिए अगर कोई एक लिक्विड है किसी ड्रम के अंदर और वो ड्रम बंद किया गया है और उसको हीट कर रहे हैं, उस लिक्विड के अंदर वेपर्स भी बन रही हैं, वो लिक्विड गैसेस स्टेज के अंदर भी जा रहा है, तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम शिफ्ट रहेगा उसके अंदर कि उस बंद कंटेनर के अंदर कि लिक्विड और गैस दोनों आपस में क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम में है ना, तो वो गैस इधर जाते ही तो लिक्विड में आ जाता है और लिक्विड इधर जाते ही गैस में आ जाता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से इक्वल हो जाए। ए और बी सपोज गेटिंग कन्वर्ट इंटू सी, तो जब C का कंसंट्रेशन और O, A और B का कंसंट्रेशन अगर इन दोनों तरफ सेम हो तो अपन इस तरीके से साइन का यूज करते हैं, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर में पढ़ते हैं, इसके अंदर सारी चीजें पढ़ते हैं, किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, किस तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर देखा जाता है कि टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या रोल होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, और किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्या इक्विलिब्रियम पे शिफ्टिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या शिफ्टिंग होगी। इसी तरीके से एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो अगर इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है अपने आयंस के रूप में,
कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल को, सपोज किसी मॉलिक्यूल है उसको लिक्विड उसका सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन के अंदर जो ही डिजोल्व किया वो मॉलिक्यूल टूट गया अपने आयंस में, तो उस मॉलिक्यूल का और अपने आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है, ऐसी स्टडी को बोला जाता है। ये सब चीजें आती हैं कौन से चैप्टर के अंदर? इक्विलिब्रियम के अंदर। ये हुआ पार्ट फर्स्ट का, और कल अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के अंदर जो 7 चैप्टर हैं वो किससे डील करते हैं। आया बात समझ? आज इतना करिए।